सितारगंज के शक्ति फार्म में कथावाचक रामचंद्र राय ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाली समुदाय के लोगों को जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र में विस्थापन और पाकिस्तानी शब्द लिखा जाना एक अभिशाप है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से बंगाली समुदाय के लोग यहां रह रहे हैं, सभी को भारतीय होने का अधिकार है तो बंगाली समाज के लोगों को भी है, उनके साथ ऐसा सौतेलेपन का व्यवहार क्यों, बंगाली समुदाय के लोगों के साथ यह क्यों किया जा रहा है। रामचंद्र राय ने कहा कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें पूर्ण भारतीय होने का दर्जा नहीं मिल जाता। अगर सरकार की आगे की रणनीति नहीं बनाई जाती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। बंगाली समुदाय के लोगों को भारतीय होने का अधिकार दिलाया जाएगा और इसके लिए हर संभव लड़ाई भी लड़ी जाएगी। बांग्लादेशी शब्द को हटवाने के लिए ही एवं साथ साथ पूरे बंगाली समाज को विस्थापित शब्द से, इस कलंकित शब्द से मुक्ति दिलाने के लिए ये लड़ाई हमारी विगत 20 वर्षों से चल रही है। हमारे समाज के प्रत्येक परिवार की ये लड़ाई रही है, हर संगठन की ये लड़ाई रही है। हमारी सरकार से ये मांग रही थी, आज भी वही मांग है कि पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द को हटवा के हमारे बंगाली समाज के उपजातियों को, जिसमें नमोसूत्र, पौंड, माझी और अन्य जातियां सम्मिलित हैं, इन जाति को वो आरक्षण का लाभ मिले। हमने वही मांग की, यदि इसमें अगर घुमाव फिरा के तोड़ मरोड़ के जीवों में यदि पूर्वी बंगाल या अन्य विस्थापित स्थानों से वो लिख के देंगे, ये सरासर अन्याय होगा और गलत होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और तमाम जो भी शासन पर बैठे हुए लोग हैं उनसे ये अपील करूंगा कि इससे पहले की जियो जारी हो, जियो में पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द, ये जो विस्थापित शब्द है, ये विस्थापित ही हट जाए। जब तक विस्थापित नहीं हटेगा तब तक हम आगे की रणनीति तैयार नहीं कर पाएंगे, सरकार के सामने मांग नहीं कर पाएंगे। जो सरकार से हमारी मांग ही है विस्थापित शब्द हटाने की, यदि हम विस्थापित कहलाएंगे तो हम आगे की लड़ाई, हम आरक्षण की मांग नहीं कर पाएंगे। सरकार से हमारी सीधी मांग है कि हमें आरक्षण मिले। आरक्षण की तो लड़ाई थी, अगर ये शब्द हट जाता था, ये शब्द हटने के साथ में आरक्षण में आ जाते। अगर आप घुमा फिरा के वही अगर शब्द हमें दोबारा दे जाते हो तो कान को इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ने वाली बात आ जाएगी। इसलिए प्रेस के माध्यम से समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त परिवारों, बंगाली परिवार, समस्त देशवासी, समस्त उत्तराखंडवासी से मेरी ये अपील है, माननीय मुख्यमंत्री जी, पुनः मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा, जियो में स्पष्ट शब्दों में बंगाली छात्र छात्राओं को मिलने वाली जो सुविधा है वह आरक्षण की श्रेणी में हो, जिससे हमारे बालक बालिकाओं को नौकरी में उन्हें सुविधा मिले, ना कि छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति हमें मिल ही रही है, छात्रवृत्ति के साथ साथ हमें नौकरी में इसकी सुविधा का लाभ मिले। और विस्थापित शब्द को हटाएं, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे पूर्वी बंगाल हो। अगर पूर्वी बंगाल लिख देते हो तो 1971 के बाद बंगाल से लोग आए, इस प्रकार का घटिया मजाक बिल्कुल हम नहीं सहेंगे। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये पूरे देशवासियों को, उत्तराखंड प्रदेशवासियों को हम ये बता रहे हैं, ताकि जियो जारी होने से पहले मुख्यमंत्री ये संज्ञान ले।